इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड में 100 डेज स्वाइप करने की, लेकिन ये नॉर्मल सुपर फ्लैट नहीं है। इस वर्ल्ड में ना तो पेड़ है, ना तो पानी है और ना ही किसी टाइप का स्ट्रक्चर है। इस वर्ल्ड में है डर्ट की सिर्फ 3 लेयर्स। हमें सर्वाइव करने के लिए सिर्फ एक बोनस चेस्ट मिलेगी जिसके अंदर मिनिमम रिसोर्सेज होंगे और उनका यूज करके हमें इस वर्ल्ड में 100 डेज तक सर्वाइव करना होगा। लेकिन हमारा मेन टास्क होगा वुड इकट्ठा करना। शायद सुनने में ये काफी आसान लगे, लेकिन ये काम करना कितना इजी है ये तुम्हें वीडियो देखकर पता चल जाएगा। एंड या एंजॉय द वीडियो। तो स्पॉन होते ही मेरे सामने एक चेस्ट थी जिसके अंदर थे 3 सेब और थोड़ी बहुत वुड। सामने ही हमें कुछ बकरियां दिखाई दी और हमें बेड की काफी जरूरत थी, तो हमने सबसे पहले बकरियों को मारा। थोड़ी बहुत बकरी मारने के बाद हमने फाइनली 2 बेड बनाए। ये एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड जिसका मतलब है कि चारों तरफ बहुत सारे स्लाइम स्पॉन होंगे। खुले में सोकर हम जिंदा नहीं बच सकते, तो हमने अपने लिए एक सेफ एरिया बनाया और अपने चारों तरफ डर्ट की एक वॉल प्लेस की। फिर हमने फ्लोर से थोड़ी बहुत डर्ट इकट्ठा की और उसके बाद अपने एरिया में ब्लॉक्स प्लेस किए ताकि वहां पर स्लाइम स्पॉन ना हो। और इसी के साथ हमारा पहला दिन खत्म हो गया और वो भी बिना मरे। अगली सुबह हमने ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े इकट्ठा किए क्योंकि खाने के लिए हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं था। हमारे पास वैसे 3 एप्पल पड़े हुए थे, लेकिन वो काम आने वाले थे ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए। उसके बाद मैंने अपना सारा जरूरी सामान एक चेस्ट के अंदर रख दिया और हमारे घर के अंदर एक बिन बुलाया मेहमान भी आ गया था जिसे मैंने बहुत ही प्यार से बाहर कर दिया इस दुनिया से। नेक्स्ट डे बेस के चारों तरफ बहुत सारे मॉब स्पॉन हो चुके थे जिसकी वजह से वो एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं था, तो हमने उस एरिया को स्पॉन प्रूफ करने का सोचा। लेकिन इतने बड़े एरिया के लिए हमें काफी सारे ब्लॉक्स चाहिए थे, तो काफी देर तक हमने ब्लॉक्स इकट्ठा किए और हमारे बेस के अंदर एक स्लाइम भी स्पॉन हुआ था। मैंने उसे मारने की भी ट्राई की, लेकिन बिना किसी टूल के उसे मारना काफी मुश्किल था। फिर हमने पूरा दिन ब्लॉक्स प्लेस किए और जब हम रात के टाइम बेस में आए तो अब वहां पर स्लाइम का पूरा परिवार आ चुका था। लेकिन मेरा बेड वहीं पर था, तो मैंने उनका सामना काफी बहादुरी से किया और मर गया। लेकिन हमने अपने घर के अंदर स्पॉन प्रूफिंग करके रखी थी, तो हमें पहले समझ नहीं आया कि वो अंदर कैसे पहुंचा है। लेकिन फिर हमने अपनी वॉल के ऊपर ध्यान दिया तो वॉल हमने थोड़ी नीचे प्लेस कर दी थी और स्लाइम भाई उसके अंदर जंप करके आ गए थे। तो अब बारी थी स्लाइम भाई को एक सबक सिखाने की, तो हमने उसे मारना शुरू किया लेकिन उल्टा उसने ही हमें मार दिया। अंदर जाकर मैंने अपने बेड को लाने की कोशिश की, लेकिन वो मॉब्स बहुत ही ज्यादा थे, तो मुझे जाकर केव के अंदर छिपना पड़ा। स्लाइम को मारते हुए वहां पर एक ज़ॉम्बी भाई भी आ गए। और तुम्हारे हिसाब से हमें ज़ॉम्बी को मारने में कितने हिट लगेंगे? क्योंकि वो ज़ॉम्बी 15 हिट के बाद जाकर मरा, जिसका मतलब था कि इस वर्ल्ड में खेलना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बहुत ज्यादा। अगले दिन हमने स्लाइम को क्लियर किया और अपनी वॉल के ऊपर एक और लेयर ऐड की। उसके बाद हमने फिर से ब्लॉक्स प्लेस करना शुरू किया। हम काफी बड़े एरिया को स्पॉन प्रूफ करने वाले थे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर के नजदीक फिर से हजारों मॉब्स आ जाएं। डे 4 पर ब्लॉक्स प्लेस करते हुए मेरी पहली बार डेथ हुई, लेकिन टेंशन की कोई भी बात नहीं है क्योंकि आखिरी बार नहीं है। इस वर्ल्ड में हम हजारों बार मरने वाले हैं। थोड़ी देर बाद मुझे एक ट्रेडर भाई दिखाई दिए, लेकिन अभी हम बिल्कुल कंगाल है तो हम उनसे कुछ भी नहीं खरीद सकते। खाने के लिए हम काफी सारे जानवरों को भी मार रहे थे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि हम उन्हें पका नहीं सकते थे और रॉ मीट से कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। अगले काफी दिनों तक हम सिर्फ ब्लॉक्स प्लेस करते रहे क्योंकि हम बार बार एरिया को एक्सपेंड नहीं करना चाहते थे, तो ये काम हम एक बार करके ही छोड़ देंगे। इसी बीच मुझे गाय भी मिली, लेकिन अफसोस हम उन्हें पाल नहीं सकते थे। फाइनली स्पॉन प्रूफिंग का काम पूरा हो गया, लेकिन मॉब्स अभी भी वहां पर आ सकते थे, तो हमने उस जगह के चारों तरफ वॉल लगाने का सोचा और काफी सारे ब्लॉक्स इकट्ठा करने के बाद काम शुरू कर दिया। फाइनली वॉल का काम पूरा हो गया। हड्डी भाई को मारकर मुझे उनकी हड्डियां भी मिली थी, जिसका यूज करके मैंने थोड़ा बहुत ग्रास ग्रो किया और फिर उससे सीड इकट्ठा किए, लेकिन उन्हें ग्रो करने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। डे 10 पर हमने वॉल्स का काम कंप्लीट किया। अब हमें जरूरत थी पानी की, लेकिन पानी आएगा कहाँ से? पानी आएगा आसमान से। अच्छा, नो जोक, सच में आसमान से आएगा। तुम पूछोगे कैसे? पानी हम इकट्ठा करेंगे बारिश से, लेकिन डरो मत, हम किसी मॉड का यूज नहीं करेंगे। हम वनीला माइनक्राफ्ट में भी बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें लगेगा कोल्ड रेन, और कोल्ड रेन बनाने के लिए हमें चाहिए 7 आयरन, लेकिन हमारे पास आयरन भी नहीं है और हम उसे माइन भी नहीं कर सकते। आयरन हमें मिलेगा ज़ॉम्बीज को मारकर, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है, आयरन का ड्रॉप रेट सिर्फ 2.5% है, तो 7 आयरन के लिए हमें बहुत बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, कोल्ड रेन का पानी इकट्ठा करने के लिए हमें एक बाल्टी भी चाहिए और बाल्टी के लिए हमें 3 और आयरन चाहिए, तो हमें चाहिए टोटल 10 आयरन। लेकिन ना तो हमारे पास फूड थी और ना ही हमारे पास पानी था, तो अफसोस हम मॉब फार्म नहीं बना सकते थे, तो हमने एक टेम्परेरी मॉब फार्म बनाने का सोचा और डे 13 पर काम शुरू कर दिया।
रात के टाइम हमारे बेस में एक ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ था और मैं उसे काफी आसानी से मार रहा था, लेकिन मेरे इंटरनेट ने दम तोड़ दिया। फिर मैं ब्लॉक्स इकट्ठा कर रहा था और काम काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने गेम ज्वाइन की तो अब मैं फ्लेम नहीं था, मैं बन चुका था एलेक्स। ये चीज मेरे साथ पहले भी हुई थी, पता नहीं मुजांग वाले आजकल कौन से नशे कर रहे हैं। लेकिन गेम रिस्टार्ट करने के बाद मैं औरत से आदमी बन ही गया। काफी दिन तक हमने प्लेटफॉर्म पर ही काम किया और डे 15 तक हमारा प्लेटफॉर्म बनकर कंप्लीट हो गया। उसके ऊपर भी हमने काफी सारे ब्लॉक्स प्लेस कर दिए ताकि वहाँ पर ज्यादा मॉब स्पॉन ना हो, और ये तरीका हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल था क्योंकि नीचे हजारों मॉब स्पॉन हो गए। तो उसके बाद हमने अपने फार्म में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स किए और फाइनली एक मॉब फार्म की तरह लग रहा था और ज़ॉम्बीज कुछ ज्यादा अच्छे रेट से स्पॉन हो रहे थे। लेकिन अब बारी थी सबसे मुश्किल काम की और वो था ज़ॉम्बीज को मारना, क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा दुख दर्द और एक लकड़ी से भरा हुआ था। हमारे पास उन्हें मारने के लिए सिर्फ एक लकड़ी थी, तो डे 17 पर हमने उन्हें मारना शुरू किया और लकीली हमें थोड़ी देर बाद ही कार्यन इनगट मिल भी गया। लेकिन ज्यादा खुश मत हो क्योंकि सिर्फ यही इनगट हमें जल्दी मिला, बाकी इकट्ठा करती हुई हमारी लंका लग गई। लेकिन डे 18 पर एक स्केलेटन ने मुझे धोखे से मार दिया, तो मैंने उसे अपने बेड से मारा क्योंकि मेरे पास कोई और हथियार था ही नहीं। डे 19 पर हमें ज़ॉम्बीज मारकर एक गाजर मिली, तो उसे मैंने अपने कीमती खजाने के चेस्ट के अंदर रख दिया। अगले काफी दिनों तक हम सिर्फ यही काम करते रहे। डे 22 पर भी हम ज़ॉम्बीज ही मार रहे थे, लेकिन इसी बीच एक चमत्कार हुआ, जादू तरीके से ब्लॉक खुद ही टूट गया और हमारे बेस में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गया। लकीली डे टाइम था तो वो ज़ॉम्बीज खुद ही मर गए, और इसी बीच हमें ट्रेडर भाई भी मिले जिन्होंने हमें गिफ्ट में लीड दी। थैंक यू ट्रेडर भाई। और अभी हमारे पास है टोटल 6 इंगट और डे 23 पर हमें 2 और इंगट मिल गए। फाइनली हमारे पास गोल्डन लायक आयरन हो ही गया, तो हमने जल्दी से एक गोल्डन बनाया और उसे बेस के सेंटर में लगा दिया। और अब हमें सिर्फ वेट करना था बारिश का, लेकिन हमें एक बकेट भी चाहिए थी, तो हमने ज़ॉम्बीज मारना कंटिन्यू रखा। और डे 24 पर फाइनली बारिश शुरू हो गई, तो हमने काफी देर तक एएफके किया और फाइनली गोल्डन फुल नहीं हुआ। फुल तो क्या, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। और ट्रेडर भैया ने आकर हमें फिर से गिफ्ट दी। ज़ॉम्बीज मारकर हमें काफी सारे आलू और गाजर भी मिले थे, लेकिन उन्हें फार्म करने के लिए भी हमें पानी चाहिए था। डे 27 पर एक बार फिर से बारिश शुरू हुई, तो हमने पूरी रात जमीन के नीचे एफके किया और अगले दिन हमारी बाल्टी बिल्कुल भी नहीं भरी थी, जिसका मतलब था कि इसे फिल करते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और डे 28 पर फिर से बारिश हुई, इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई, तो हम फिर से एक्साइटेड थे कि इस बार बाल्टी भर जाएगी। तो इसी खुशी में हमने ज़ॉम्बीज को मारा, लेकिन फिर से क्रीपर भाई फट गए और सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ गए। तो उसके बाद हमने उसे दोबारा रिपेयर किया। रात तक बारिश रुक गई और हमारी बाल्टी भी भर गई, लेकिन सिर्फ एक लेयर। डे 29 पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारने के बाद हमारे पास बाल्टी बनाने लायक आयरन इकट्ठा हो गया, तो मैंने फाइनली एक बाल्टी बनाई। स्केलेटन मारकर हमारे पास काफी सारी बोन्स भी थी, तो उसका बोन मील बनाकर मैंने काफी सारी गाजर उगाई। और अब हमारे पास काफी सारी गाजर भी हो गई थी, तो डे 30 को हम गए पिगी भैया की तलाश पर। काफी देर घूमने के बाद हम 3 सुअर को घर लाए, फ्लेम को मिलाकर 4। उसके बाद उन्हें रखने के लिए हमने एक एरिया बनाना शुरू किया। डे 31 पर हमने एरिया कंप्लीट किया और उसके बाद पिगी भैया को अंदर लाए, फिर हमने उन्हें ब्रीड करवाया। अगले 2 दिन मैंने सिर्फ डर्ट इकट्ठा की। डे 35 पर मेरे पास काफी सारी डर्ट हो गई थी, तो अब मैं बनाने वाला था एक घर, एक काफी बड़ा सा घर, क्योंकि हमारे पास करने के लिए कोई और काम है ही नहीं। अगले काफी दिनों तक मैंने सिर्फ घर पर काम किया और इसके साथ जानवरों को ब्रीड करवाया। डे 31 से 34 तक मैंने ब्लॉक जमा किए और 35 पर पूरा दिन टाइम पास किया। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो डे 36 से 38 तक मैंने ज़ॉम्बीज मारे। नेक्स्ट डे ज़ॉम्बी की जगह कुछ पिलेजर्स स्पॉन हुए और क्योंकि वो एक ही जगह पर फंसे हुए थे, तो मैंने उन्हें काफी आराम से मारा। डे 39 पर भी मैंने ज़ॉम्बीज ही मारे और फिर डे 40 पर फाइनली बारिश शुरू हो ही गई। तो हमने पूरी रात तक वेट किया और इस बार गोल्डन फुल नहीं हुआ। आई डोंट थिंक ये गोल्डन कभी फुल भी होगा। हमारे पास थोड़ी सी कैरेट थी, तो डे 41 पर मैंने पिक्स को ब्रीड करवाया और उसके बाद ज़ॉम्बीज मारे। मेरे पास बहुत सारे डर्ट ब्लॉक थे और हमारी चेस्ट पूरी फुल हो चुकी थी, और क्योंकि हमारे पास वुड भी नहीं थी, तो
तो हम एक्स्ट्रा चेस्ट भी नहीं बना सकते थे। तो मैंने काफी सारा डर्ट अपने मजदूर को दे दिया और उसके बाद मैंने फिर से ज़ॉम्बीज मारे। डे 43 पर मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं इस गेम से तंग आ चुका था। डे 45 पर घर बनकर कंप्लीट हो गया, लेकिन वो घर हमारे लिए नहीं था क्योंकि वो था मॉब्स के लिए। घर बनाने से पहले हमने ये नहीं सोचा कि हमारे पास टॉर्च ही नहीं है, तो उसके अंदर अब बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो गए थे जिसका मतलब था कि हमें उसे बंद ही रखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा घर बनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्रीपर की वजह से वो जगह पूरी खराब हो चुकी थी, तो बचे हुए दिन पर हमने उस जगह को रिपेयर किया। अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। ज़ॉम्बीज मारकर हम तंग हो चुके थे और बिल्ड करके सिर्फ मॉब स्पॉन हो रहे थे, तो हमने पूरा दिन बारिश होने का वेट किया और डे 46 पर एक और बार बारिश हुई और आखिरकार हमारा कष्ट खत्म हो ही गया। काश मैं सब बोल पाता। उसके बाद हमने गोल्डन फूल होने की उम्मीद छोड़ दी और इस चीज का सदमा हमारे लिए काफी बड़ा था, तो अगले कुछ दिनों तक हम सिर्फ एक ही जगह पर खड़े रहे। डे 50 पर हमारे वर्ल्ड में फिर से बारिश हुई। इस बार हम बिल्कुल श्योर थे कि हमारी बाल्टी पूरी भर जाएगी, तो हमने पूरी रात एफ के किया और हमारी बाल्टी फिर से नहीं भरी। पता नहीं ये गोल्डन कब भरेगा। ये बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की तरह है, उस पर भी फॉलोअर बढ़ नहीं रहे हैं। प्लीज फॉलो कर दो। अगले काफी दिन हमने फिर से एफ के किया। एंडर भैया ने स्पार्क के कैसल से काफी सारे ब्लॉक्स चोरी कर दिए थे, तो मैंने डे 50 पर उसे पूरा रिपेयर किया। डे 51 पर हमने कुछ नहीं किया, डे 52 पर भी हमने कुछ नहीं किया, डे 53 पर भी हमने कुछ नहीं किया। तो करना, लेकिन खड़े रहने से सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा था, तो मैंने स्लाइम बॉल से काफी सारे स्लाइम बनाए और ढेर सारा टाइम पास किया। लेकिन उसके बाद हमने सीरियसली काम शुरू किया और काफी देर तक ज़ॉम्बीज मारे। डे 54 पर हमने ज़ॉम्बीज मारे, डे 55 पर ज़ॉम्बीज ने हमें मारा, डे 56 पर फ्लेम ने मुझे जूते गिफ्ट किए और वो भी 80,000 के। तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। उसके बाद क्रीपर भाई ने आकर फिर से वॉल को तोड़ दिया, तो हमें उसे फिर से रिपेयर करना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमारे वर्ल्ड में फिर से फाइनली बारिश शुरू हुई और इस बार हम बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि बाल्टी भरने के चांसेस पूरे 100% थे और अगले दिन बाल्टी फाइनली नहीं भरी। इस गेम पर हमें इतना ज्यादा गुस्सा कभी भी नहीं आया था, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी प्रोग्रेस बर्बाद हो जाती, तो हमने फिर से मजदूरी कंटिन्यू रखी। नेक्स्ट डे मैंने ज़ॉम्बीज मारने की जगह छोटे मोटे घर बनाए। डे 58 पर भी मैं वही काम कर रहा था, लेकिन तभी एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने काफी देर तक एफ के किया। उसके बाद मैंने अपने घर को रिपेयर किया, अपने नहीं मतलब मॉब्स के घर को रिपेयर किया, क्योंकि एंडर भाई वहां से ब्लॉक्स की तस्करी करना छोड़ ही नहीं रहे थे। रात को हम एफ के कर रहे थे और फिर फाइनली हमारी बाल्टी भर गई और डे 58 पर फाइनली हमारे पास पानी था, जिसमें हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। तो बोन मिल का यूज करके हमने फाइनली इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाया और अब हम काफी सारी चीजें कर पाएंगे। नेक्स्ट हमने सबसे पहले फार्मिंग की। खेत बनाते वो मेरी हो टूट गई, लेकिन हमारे पास एक और प्लैंक था तो मैंने उसका भी हो बना दिया। अब हमारे पास एक खेत भी हो गया था, तो अब हम इकट्ठा करने वाले थे बोन मील, और बोन मील इकट्ठा करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्लान था, बहुत अच्छा प्लान जो था भगवान का नाम लेकर हमला करना। तो पूरे दिन हमने अपने मास्टर प्लान का यूज किया। डे 60 पर हमारे वर्ल्ड में फिर से बारिश शुरू हुई, लेकिन अब उसका कोई भी काम नहीं था। डे 60 पर घर के बाहर एक पिलेजर स्पॉन हुआ था, तो हमने उसे काफी बुरे तरीके से मारा। डे 60 पर फाइनली घर बनकर तैयार हो गए और इनका यूज हम किसी भी चीज के लिए नहीं करेंगे। और इसी बीच स्पार्क ने एक बार फिर से फार्म वाली जगह को बर्बाद कर दिया, तो मैंने जाकर उस नूब की हेल्प की। किसी ने कुछ नहीं देखा। अब हमारे पास पानी था जिससे कि हम ज़ॉम्बीज को ड्रोनर बना सकते थे, तो हमने उस जगह को रिपेयर किया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था कॉपर इकट्ठा करना, जिससे हम बनाने वाले थे एक लाइटनिंग रॉड। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि लाइटनिंग रॉड का क्या यूज है। लाइटनिंग रॉड हमें चाहिए पिगी भैया को पिगमैन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमें गोल्ड मिलने वाला था पिगमैन मारकर, और गोल्ड हमें गोल्डन एप्पल बनाने के लिए चाहिए जिससे हम विलेजर को क्योर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए था कॉपर और उसके लिए हमें चाहिए थे ग्राउंड,
और ड्रोन बनने वाले थे जॉम्बीज को पानी के अंदर कैद करके। तो अपना सस्ता मॉब फार्म रिपेयर करने के बाद हमने काफी सारे जॉम्बीज को कैप्चर किया और अगले दिन हमारे पास काफी सारे ड्राउंड हो गए थे। D63 पर हमने फिर से काफी सारे जॉम्बीज को ट्रैप किया और उन सभी को ड्राउंड बनाया। और फिर फिल्म ने मेरे साथ बहुत ही एपिक चीज की। मैं जिस ब्लॉक पर खड़ा था उस मूर्ख ने वही ब्लॉक तोड़ दिया और फिर सभी ड्राउंड ने मिलकर मुझे तोड़ दिया। और D64 पर हमने रॉड लायक कॉपर जमा कर भी दिया। उसके बाद मैंने फार्म को एक्सपेंड किया लेकिन इसी बीच हमारी होश शहीद हो गई, जिसका मतलब था कि हम फार्म को और एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन पिक्स को ब्रीड करवाने के लिए हमें काफी सारे आलू और गाजर चाहिए थे और उन्हें ग्रो करने का सिर्फ एक ही तरीका था, जो था बोन मिल से। तो अब टाइम था मिशन हड्डी शुरू करने का। तो D65 से 70 तक हमने सिर्फ हड्डी इकट्ठा की और इस बीच क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। कभी हम मर रहे थे, कभी खेती कर रहे थे, कभी जानवर ब्रीड करवा रहे थे और मर रहे थे, बहुत बहुत बार मर रहे थे। लेकिन इस सारे काम में हमारे सस्ते मॉब फार्म की हालत बहुत ही खराब हो गई और वहां पर बहुत ही सारे मॉब्स भी थे, तो उसे रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल होने वाला था। तो मैंने ऊपर जाकर काफी सारे ब्लॉक्स रिमूव किए ताकि आधे मॉब सनलाइट से ही मर जाएं। और फिर नेक्स्ट डे हमने उस एरिया को रिपेयर करना शुरू किया। D70 पर पिगी भैया को ब्रीड करवाते हुए मुझे एक शिप मिली जो कि पता नहीं वहां पर क्या कर रही थी, तो मैंने उसका पैकअप कर दिया। D71 पर मैंने जानवर ब्रीड करवाए। D72 पर बारिश हुई। D73 पर मैंने फिर से जानवर ब्रीड करवाए। D74 पर मैंने फार्मिंग की। अगले काफी दिनों तक हमने सिर्फ यही काम किए क्योंकि अब हम वेट कर रहे थे थंडरस्टॉर्म का, जिससे कि पिगी भैया पिगमैन में ट्रांसफॉर्म होने वाले थे और उनसे हमें मिलने वाला था गोल्ड। तो हमने काफी देर थंडरस्टॉर्म का वेट किया। चेस्ट के अंदर थोड़ी स्ट्रिंग और स्टिक्स थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे एक फिशिंग रॉड बनाऊं। तो मैंने एक फिशिंग रॉड बनाई और अब टाइम था वो चीज बनाने का जिसे हम अपनी हर वीडियो में बनाते हैं, मतलब एक तालाब। तालाब बनाने के बाद मैंने पूरा दिन फिशिंग की और मुझे सिर्फ मरी हुई मछली और एक लिली पैड मिला। अगले काफी सारे दिनों तक हम उस एरिया को रिपेयर करते रहे और फाइनली वो एरिया रिपेयर हो ही गया। वैसे मुझे पूरा रिपेयर तो नहीं कर पाए लेकिन वो पहले से तो काफी ठीक था। उसके बाद मैं काफी सारे दिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे इंटरनेट ने धोखा दे दिया था। तो अगले 3-4 दिनों तक स्पार्क अकेला खेलता रहा। D82 तक हमने एरिया को रिपेयर कर दिया लेकिन फिर क्रीपर भाई कहीं से आ गए और उन्होंने उस एरिया का फिर से सत्यानाश कर दिया, तो हमें फिर से सारा एरिया रिपेयर करना पड़ा। D85 पर हमारे वर्ल्ड में फाइनली एक थंडरस्टॉर्म आया, तो फाइनली हमारे पिगी भैया पिगमैन बन गए। तो हमने उन्हें मारना शुरू किया और थोड़ी देर में ही मेरे लेवल 0 से 27 हो गए। सभी पिगमैन को मारने के बाद हमने कलेक्ट किए टोटल 10 आयरन इनगट, जिससे कि मैंने एक गोल्डन एप्पल बनाया। तो अब हम फाइनली एक विलेजर क्योर कर सकते थे, बस हमें चाहिए था एक ज़ॉम्बी विलेजर और एक विच। D87 पर मैं डर्ट इकट्ठा कर रहा था और तभी मुझे डर्ट के बीच में एक स्मोर की गर्दन दिखी जो कि मुझे काफी अजीब तरीके से देख रहा था। पत्थर लौटा दो। D87 पर मुझे बेस के अंदर कुछ विलेजर्स दिखे तो मैं उन्हें हेलो बोलने के लिए गया लेकिन उन्होंने मेरा फुटबॉल बना दिया। तो उन सभी को मैंने उन्हीं के हथियार से पेल दिया। उन्हें मारकर मुझे एक क्रॉसबो मिली, तो उसे मैंने अपनी क्रॉसबो के साथ कंबाइन कर दिया। अब हमें सिर्फ एक लास्ट काम करना था जो था ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करना, लेकिन उसके लिए हमें एक ज़ॉम्बी विलेजर और एक विच चाहिए थी। तो हम पूरा दिन उनके स्पॉन होने का वेट करते रहे लेकिन वहां पर कुछ भी स्पॉन नहीं हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना हम रात के टाइम भी एफके करें क्योंकि रात के टाइम बहुत सारे मॉब स्पॉन होंगे। लेकिन ये प्लान ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया। हमारे पूरे बेस में ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए और इतने सारे ज़ॉम्बीज को हम मार भी नहीं सकते थे। तो मैंने बेड लिया और जमीन के नीचे चला गया। मैंने स्पार्क को भी वहीं पर बुलाया था लेकिन वो बेवकूफ ऊपर चला गया। और काफी सारे दिन हो गए थे लेकिन ज़ॉम्बी विलेजर या विच कुछ भी स्पॉन नहीं हो रहा था। तो हमने मॉब फार्म वाले प्लेटफॉर्म को थोड़ा इंक्रीज किया और फिर फाइनली D89 पर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ और उसे कैद करते हुए फ्लेम ने मुझे भी कैप्चर कर दिया। और फाइनली हमारे पास एक ज़ॉम्बी विलेजर था और अब हमें सिर्फ एक ज़ॉम्बी विलेजर की जरूरत थी। तो काफी देर मैंने उसी के पास रहकर एफके किया लेकिन D90 पर भी पूरा दिन एफके करने के बाद कुछ भी स्पॉन नहीं हुआ। तो हमने एक बार फिर से रात के टाइम ढूंढने का फैसला किया। तो मैं उस एरिया में विच ढूंढने लगा और अपने बेस के अंदर ही मुझे एक विच मिल भी गई। नेक्स्ट डे मैंने उसे लालच देकर जैसे तैसे ज़ॉम्बी वाले एरिया तक ला ही दिया और काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद हमने उसे कैप्चर कर ही दिया। विच कैप्चर करने के बाद अब बारी थी ज़ॉम्बी विलेजर क्योर करने की। और लकीली हमारी ट्रिक काम कर गई, बस मुझे अपना बलिदान देना पड़ा। उसके बाद हमने विच को वहां से बाहर निकाला, फिर हम उसे घर के अंदर कैप्चर करने लगे लेकिन उस दुष्ट फ्लेम ने मुझे भी कैप्चर कर दिया। तो क्या इरादा है? थोड़ी देर बाद हमारा विलेजर क्योर हो गया, तो उसे घर ले जाने के लिए हमने एक रास्ता बनाया और D92 पर हम उसे अपने घर के अंदर लाए
कोल्ट्रेन के पास आकर वो लेदर वर्कर बन गया और वो मुझे एक लेदर के बदले एक एमरल्ड बेच रहा था। लकीली जानवर मारकर हमारे पास काफी सारे लेदर पड़ा हुआ था तो मैंने उससे लेदर ट्रेड किया। सारे लेदर ट्रेड करने के बाद अब हमारे पास 39 एमरल्ड हो गए थे तो अब हम इंतजार था एक वांडरिंग ट्रेडर का और फाइनली हम उससे एक ट्री सैपलिंग खरीद पाएंगे। उसके बाद हमने रास्ते को रिमूव किया। फिर कैंडरमैन फ्लेम के पीछे पड़ गया और क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ तो मैं उसे बचाने के लिए गया। तो एंडरमैन से बचने के लिए मैं तालाब के अंदर जाना पड़ा। अगले दिन मैंने अपने एरिया को थोड़ा फिक्स किया और फिर डे 95 पर पूरे दिन एफ की किया। लेकिन लकीली शाम के टाइम एक ट्रेडर भाई आ गए और वो सैपलिंग नहीं बेच रहे थे, लेकिन लकीली उसके पास मॉस ब्लॉक था और मॉस ब्लॉक पर बोन मिल का यूज करके हमें अजेलिया मिल सकता था और अजेलिया को ग्रो करके हम ट्री बना सकते थे। तो हमने ट्रेडर से कुछ मॉस ब्लॉक्स खरीदे, लेकिन हमारे पास बोन मिल नहीं था तो एक और बार टाइम था मिशन हड्डी का। काफी मुश्किलों के बाद मैंने जैसे तैसे 10 बोन्स इकट्ठा की और फिर मैंने फाइनली मॉस ब्लॉक स्प्रेड किया और आखिरकार एक ट्री ग्रो किया जिसका यूज करके हम फाइनली टूल्स बना सकेंगे। उसके बाद मैं काफी देर तक वुड इकट्ठा करता रहा और अब हम मॉब्स को भी काफी आराम से मार पाएंगे। अब हमारे पास लकड़ी भी थी और पानी भी था जिसका मतलब था कि अब हम मॉब फार्म बना सकते हैं। तो मैं गया डर्ट इकट्ठा करने और काफी देर तक मैंने सिर्फ डर्ट इकट्ठा की। डे 98 पर मैंने फाइनली मॉब फार्म बनाना शुरू किया और अब हमारे पास शवल भी था तो मैंने कैसल के सामने वाले ब्लॉक से मूव किए और उनकी जगह शवल पाथ बनाया क्योंकि उसके ऊपर भी मॉब स्पॉन नहीं होते। ट्रेडर के पास पंपकिन भी थे तो मैंने उससे पंपकिन भी खरीद लिए। इसके अलावा उसके पास बीटरूट सीड्स भी थे। वैसे तो मैं उन्हें नहीं खरीदना चाहता था लेकिन इस वर्ल्ड में हमारे पास चीजों की काफी कमी है तो दिल पर पत्थर रखकर मैंने उससे बीटरूट खरीद लिया। उसके बाद मैंने कैसल के सामने ये खेत बनाया। इसी बीच मैंने वुड का यूज करके डर्ट हाउस को घर की तरह बनाया और फिर हमें दर्शन दिए एक और ट्रेडर भाई ने जो कि बेच रहे थे स्प्रूस सैपलिंग। तो हमने उससे 2 सैपलिंग्स खरीद ली और उन सैपलिंग्स को भी कैसल के सामने लगा दिया। और उसके बाद एक और एपिक चीज हुई, हमारे वर्ल्ड में एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म आया जिसका मतलब था और पिगमैन। इस बार मैंने गाजर का लालच देकर बहुत सारे पिग्स को पिगमैन में ट्रांसफॉर्म किया जिसका मतलब था कि अब हम एक और विलेजर क्योर कर सकते हैं। लेकिन मेरा मॉब फार्म थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं गया मॉब फार्म कंप्लीट करने। फिर मैं बेस के अंदर जाने लगा और तभी मुझे दिखा कि हमारे बेस के अंदर एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुका था और वो हमारे विलेजर को मार रहा था, लेकिन मैंने उसे टाइम पर बचा लिया। बेस के अंदर जाते हुए काफी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने साइड में डर्ट ब्लॉक्स लगा दिए। फिर मैंने पूरा दिन पिगमैन मारे और क्योंकि वो बहुत ही सारे थे तो उन्हें मारते हुए मुझे काफी टाइम लग गया जिसकी वजह से काफी सारा गोल्ड स्पॉन हो गया। लेकिन फिर भी हमें 5 गोल्ड इंगट मिल गए और हमारे पास पहले से ही 3 गोल्ड इंगट थे तो उससे मैंने एक और गोल्डन एप्पल बना दिया। मॉब फार्म पूरा कंप्लीट हो चुका था, बस उसमें थोड़ी बहुत चीजें बची थी। अब मॉब फार्म के पास बहुत सारे क्रीपर स्पॉन हो गए थे, लेकिन जैसे तैसे मैंने वहां से सामान इकट्ठा किया और फिर फाइनली अपने मॉब फार्म को पूरा किया। लेकिन मॉब फार्म में बहुत ही कम मॉब स्पॉन हो रहे थे, मॉब्स की जगह उसमें ग्लू स्क्विड निकल रही थी। रात के टाइम एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था तो उसे हमने घर के अंदर कैप्चर कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में स्पार्क भाई एक और बार शहीद हो गए और स्पार्क के बनाए हुए मॉब फार्म में मॉब्स की जगह सिर्फ चमकीले स्क्विड स्पॉन हो रहे थे। और इसी बीच हमें एक दर्दनाक चीज पता चली, हमारे बेस के अंदर फिर से ज़ॉम्बी आ गया था और विलेजर भाई बच नहीं पाए। रेस्ट इन पीस विलेजर भाई। लेकिन बेस के अंदर टॉर्चेस भी थी तो पता नहीं ये ज़ॉम्बी बेस के अंदर कैसे आया। तो मैंने साइड में डर्ट ब्लॉक्स लगा दिए और अगले दिन मुझे बहुत ही अजीब सी चीज दिखी जो थी बहुत ही ज्यादा लंबी रस्सी। पता नहीं ऐसी चीजें हमारे साथ क्यों होती है। लेकिन इसी के साथ फाइनली डे 100 भी कंप्लीट हो गया। और अगर तुमने वीडियो को जरा सा भी एंजॉय किया तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।